तो सैमसंग S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट साल 2023 के अंदर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी 50,000 रुपए, लेकिन जब साल 2023 का बिग बिलियन डे सेल आया तो इसकी प्राइस ड्रॉप होके 30,000 रुपए के आसपास आ गई। और तब से लेके अभी तक ये फोन जब भी सेल आता है तो 30,000 से 32,000 रुपए के आसपास बिकता है। अभी फिलहाल मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो ये फोन फिर से 30,000 रुपए में बिक रहा था। मैंने भी ये फोन साल 2023 के बिग बिलियन डे सेल में ही खरीदा था और तब से मैं इसे लगातार यूज कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि क्या अभी साल 2024 के अंदर इस फोन को लेना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में भी जब भी सेल चल रही है तो इसकी प्राइस 30,000 रुपए के आसपास आ जा रही है। तो आपका ये डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सैमसंग S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट साल 2024 के अंदर हमें लेना चाहिए या नहीं, क्या क्या इसके अंदर अच्छी बातें हैं और क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं। दोनों चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अपने यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिससे आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि अभी के टाइम में ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले ये फोन इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आया था। मैंने एक्सिनोस वाला वर्जन भी कुछ दिन तक यूज किया था, हालांकि उस वर्जन में इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उसमें नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा हीट होता था फोन, काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन इशू था। उस फोन से मिलते जुलते इशूज इस फोन में भी हैं, जो कि हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन से। इसका जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का है और इसके जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम के हैं, लेकिन इस फोन का जो साइज है, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी अच्छा है। फोन न ज्यादा छोटा है न ज्यादा बड़ा है, फोन को काफी हैंडी बनाया गया है, हाथ में ये फोन प्रीमियम फील होता है। ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब अगर कभी फोन के ऊपर अगर पानी वगैरह भी कभी गिर जाए तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी और प्रीमियम लगती है, लेकिन माइनस पॉइंट यहाँ पे एक ही है कि इसका जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का है, जिसकी वजह से इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं अगर आप इसको विदाउट कवर यूज करते हैं। हालांकि इसको मैं कवर के साथ यूज करता हूँ और पीछे के साइड में मैंने इस पे स्किन भी लगा रखा है लेमिनेशन टाइप का, जिसकी वजह से मेरे फोन पे स्क्रैच नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे। तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके साथ ये डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कैमरे के लिए छोटा सा पंच होल मिलता है और बेजल भी इसके काफी कम है। हालांकि मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके बेजल्स थोड़े से ढक गए हैं, वरना इसके बेजल उतने ज्यादा नहीं है। डिस्प्ले देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, अच्छे कलर्स आते हैं। सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको पता ही होगा कि क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ही आती है कि जब भी आप इसको आउटडोर में ज्यादा देर यूज करते हैं और जब फोन ज्यादा गर्म हो जाता है तब ये डिस्प्ले ब्राइटनेस थ्रॉटल करने लगती है, मतलब कि इसका ब्राइटनेस डाउन हो जाता है और यहाँ से आप कितना भी ब्राइटनेस को फुल कर लें लेकिन इसकी ब्राइटनेस डाउन ही रहती है जब तक कि फोन ठंडा नहीं हो जाता। और ये सिर्फ इसी फोन के साथ नहीं है, ये मेरे iPhone 13 में भी होता था, iPhone 15 में भी होता है। तो ये जब फोन हीट होगा तभी ऐसा होगा, वरना इसकी डिस्प्ले आउटडोर में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी देती है। इसके डिस्प्ले पे मैं जब भी मूवी वगैरह देखता हूँ, कंटेंट वॉचिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। तो डिस्प्ले एक नंबर है, डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं। स्पीकर इसके ठीक ठाक है, मैं एक बार आपको सैंपल सुना देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे रियर साइड में आपको 3 कैमरे का सेटअप मिल जाता है। मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, इसके साथ अल्ट्रा वाइड भी है 12 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है। अब इस फोन का जो कैमरा है वो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार है, खासकर इसका जो 3x पोर्ट्रेट मोड वाला सेंसर है वो काफी अच्छा फोटोज कैप्चर करता है। और सैमसंग का जो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग है वो काफी अच्छा है। सैमसंग आपको रेडी टू यूज फोटो देता है। मैं कुछ फोटो के सैंपल डाल दूंगा जिससे आपको ये अंदाजा मिल पाएगा कि ये किस टाइप की फोटोज लेता है। वैसे इसका डिटेल में कैमरा टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने बाद इसका डिटेल्ड कैमरा टेस्ट वाला वीडियो आप देख पाएंगे। सेल्फी भी इससे काफी अच्छी आती है, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा करता है ये। मेरे iPhone 13 और iPhone 15 से तो एज डिटेक्शन ये अच्छा ही करता है। इसमें आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से मैक्सिमम 4K 60fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप 30fps की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम किसी भी लेंस पे स्विच कर सकते हैं, चाहे वो बैक साइड के तीनों कैमरे हो या आपका फ्रंट कैमरा हो। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है सैमसंग के अंदर। तो 30,000 के प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फोन है जो इतना बेस्ट कैमरा रिजल्ट आपको दे। पिक्सल के कुछ फोन आते हैं जो इससे बेटर आपको कैमरा रिजल्ट दे सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन उनकी फोटो रॉ होती है और इसके अंदर जो आपको फोटोज मिलती है वो रेडी टू यूज होती है, मतलब आप सोशल मीडिया वगैरह पे बिना एडिट किए आप इजीली यूज कर सकते हैं। बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर की तो अभी मेरा फोन UI वर्जन 6.0 और Android 14 पे चल रहा है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो Android 12 के साथ लॉन्च हुआ था,
और सैमसंग अपने फोन में 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट तो देता ही है। इस हिसाब से इस फोन में एंड्रॉइड 16 तक का अपडेट आपको मिलेगा, जो कि इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। इसके अलावा इस फोन में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 888 जैसा प्रोसेसर, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है और डे टू डे यूजेस में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कोई लैग, कोई शटर नोटिस नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ दिक्कत यही है कि जब भी आप इस फोन पे हैवी कोई काम करेंगे, जैसे कि इस फोन पे आप गेमिंग करते हैं या इस फोन पे वीडियो एडिटिंग जैसा अगर आप काम करते हैं, तो ये फोन हीट होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी ये हीट गेन कर लेता है। तो ऐसे तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन फोन हीट होता है तो बैटरी इसकी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। और बात जब बैटरी की आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल यूज पे पूरे दिन का बैकअप आराम से दे देगी। मेरे केस में मैं फोन को सुबह चार्ज करता हूं और रात होते होते मेरे फोन की बैटरी 30% तक बची रहती है लगभग, क्योंकि मेरा यूजेस कुछ ऐसा है कि मैं दिन में थोड़े बहुत यूट्यूब देखता हूं, व्हाट्सएप वगैरह यूज करता हूं, ईमेल्स वगैरह चेक करता हूं, बहुत ज्यादा मेरा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं रहता है, मैं फोन पे गेमिंग नहीं करता हूं, मैं कोई हैवी काम नहीं करता हूं, तो उस हिसाब से शाम होते होते मेरे फोन की बैटरी 30% पे आ जाती है। अगर आप हैवी यूज करेंगे तो शाम होते होते हो सकता है कि आपकी बैटरी पूरी खत्म हो जाए। तो बैटरी बैकअप उतना बुरा नहीं है, लेकिन और जो 4500 mAh बैटरी वाले फोन है वो जितना बैकअप आपको देंगे उतना बैकअप ये फोन आपको नहीं देगा, और फोन्स के मुकाबले आपको इसमें कम बैटरी बैकअप मिलेगा। और ये फोन मैक्सिमम 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और चूंकि मेरे फोन की बैटरी जीरो नहीं होती, जब भी 25 या 30% पे मेरी बैटरी आ जाती है मैं फोन को चार्ज कर लेता हूं। इस केस में 1 घंटे के आसपास मेरा फोन फुल चार्ज हो जाता है। ये मेरा फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, और इसके अंदर जो स्टोरेज लगी हुई है वो है UFS 3.1। ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है स्नैपड्रैगन 888 उसके साथ 8GB की रैम, UFS 3.1, साथ ही आपको डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, तो ये सारी चीजें मिलके आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफी अच्छा कर देती है। और साथ में सैमसंग का जो वन UI है वो तो आपके यूजर एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा ही देता है, क्योंकि अभी के टाइम में मुझे लगता है कि एंड्रॉइड के अंदर सबसे ज्यादा कोई अगर बढ़िया UI है तो वो सैमसंग का वन UI है। लेकिन इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सैमसंग का कोई फ्लैगशिप सीरीज का या फैन एडिशन वाला ही फोन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको फुल फ्लैश वर्जन सैमसंग का वन UI मिल पाएगा, जिसमें आपको ये सिक्योर फोल्डर, सैमसंग नॉक्स, सैमसंग डेस्क, ये सब फीचर्स आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा बात करें 5G की, तो अगर इस वीडियो में आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे 5G एनी टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, और अपडेट के बाद यहाँ पे जियो का वीओ 5G भी शो कर रहा है, मतलब वॉइस ओवर 5G काम कर रहा है, यानी कि आप 5G नेटवर्क पे कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आपका फोन 4G पे स्विच नहीं करेगा। 5G काफी अच्छे से काम करता है, स्पीड भी काफी अच्छी मिलती है। और 5G से याद आया कि मैं सैमसंग S21 FE का जो एक्सिनोस वेरियंट यूज करता था उसके अंदर 5G का इशू था, जब भी फोन हीट होता था तो वो 5G से 4G में स्विच हो जाता था, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 के साथ नेटवर्क वाली कोई दिक्कत अभी तक मुझे नहीं आई है, जबकि मैं ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे 5G सिग्नल वीक आते हैं। अब इस फोन में कैसा है क्या है वो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि क्या ये फोन हमें 2024 के अंदर लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस तरह के लोगों को लेना चाहिए और किस तरह के लोगों को इसे स्किप करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो बुरी चीजें हैं उनको बताता हूँ, और फिर मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ। तो सबसे पहले इस फोन के अंदर आपको जो अच्छी चीज मिलेगी वो है इस फोन का डिस्प्ले, उसके बाद दूसरी अच्छी चीज इस फोन का कैमरा, उसके अलावा इस फोन का डिजाइन भी मुझे अच्छा लगता है, फोन काफी हैंडी है, आपको हाथ में ये फोन कंफर्टेबल फील होगा, यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी शानदार है, और डेली लाइफ में ये फोन परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है, कहीं से कोई लैग, कोई हैंग वगैरह आपको नोटिस नहीं होगा। अगर इसके कॉन्स की बात कर ले, यानी कि इसके बुरी चीजों की बात कर ले, तो ये फोन गेमिंग के दौरान ज्यादा हीट गेन करता है। इसके अलावा इस पे जब भी आप हैवी काम करेंगे, यानी कि वीडियो एडिटिंग या इससे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे ज्यादा देर तक, तो ये फोन हीट गेन करता है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ये फोन ज्यादा हीट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब भी गर्मी का मौसम आएगा और जब आप इस फोन को हैवी यूज करेंगे तो ये हीट जनरेट करेगा। तो अगर आप एक गेमर हैं या अगर आप फोन से ही वीडियोज एडिट करते हैं या आप फोन से घंटों घंटों वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये फोन आपके लिए नहीं है, आप हमेशा इसके हीटिंग से परेशान ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए अपने फोन से, आप आउटडोर में ज्यादा रहते हैं, तो भी इस फोन से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर बैटरी बैकअप आपको और फोन के मुकाबले कम मिलती है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह एक ऐसा फोन चाहिए जिसका डिस्प्ले शानदार हो, जिसका कैमरा काफी अच्छा हो, और आपको मेरी तरह लाइट यूज करना है और आपके पास चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस फोन को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे ये फोन मिलता है उसमें इसके जैसा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दूसरा कोई कंपनी, दूसरा कोई फोन मुझे नहीं लगता है कि दे सकता है। इसके अलावा इस फोन में 5G भी अच्छे से काम करता है, और फ्यूचर में इसमें आपको अभी एंड्रॉइड 16 तक का अपडेट भी मिलेगा, तो इस हिसाब से ये फोन फ्यूचर प्रूफ भी है। तो अभी के टाइम में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका यूजेस कुछ इस टाइप का है जैसा कि मैंने बताया, तो आप डेफिनेटली इस फोन को साल 2024 के अंदर सेल में परचेज कर सकते हैं, जब ये फोन 30,000 से 32,000 के बीच में मिल रहा हो। बाकी आप में से कौन कौन इस फोन को यूज कर रहा है और आपके क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, आप नीचे
कमेंट में जरूर बताना, उससे और बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।